चारों में स्क्रू कसा गया है, काफ़ी अच्छा हो गया। देख ले, ये अब गिरने वाला नहीं है, तो इसी प्रकार आप भी फिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो आज का इस वीडियो में बताने वाले कि बर्तन स्टैंड है जो कि लगाना है, तो प्रॉपर लगाने के लिए हमको क्या करना होगा, बर्तन के मतलब जो भी हो बर्तन स्टैंड के साइड में देखिए यहाँ पे कुछ होल दिए हुए, तो चार ठो होगा, एक ठो वहाँ एक ठो यहाँ, मतलब दोनों साइड में दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको लगाने के लिए हमको एक लेवल पर रख के इसका अंदर मार्क करना होगा, या तो पेन अगर होगा तो पेन का जो ढक्कन खोलने वाला होगा उसका यूज कीजिएगा, तभी हो पाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको मार्क करते हैं, वीडियो में बने रहिए, शुरू से अंत तक क्लास तक देखिएगा। इसके लिए कितना एमएम का हम गुज्जी लेंगे, कौन सा स्क्रू लेंगे, ताकि मेरा बर्तन स्टैंड कभी नहीं गिरेगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो बर्तन को हम स्टैंड को इतना पर रख दे रहे हैं, इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। नेल पॉलिश का भी यूज कर सकते हैं इसमें। तो ये मार्क हो गया है, दिख रहा है मार्क, तो ये जो गुज्जी है देखिए, ये गुज्जी हम ले लेंगे चार ठो, जो कि मैक्सिमम 2 इंच का है, और ये 2.5 इंची का ले लिया है, जिप्सन स्क्रू है जो कि काफ़ी अच्छा हेवी होता है, जिप्सन इसमें हम यूज़ करेंगे, 2 इंच इसको जाने देंगे ताकि अच्छा से पकड़ होगा, जो कि बर्तन स्टैंड मेरा गिरेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए हम इसको होल कर लेते हैं ड्रिल के हेल्प से। नंबर इसमें जो बिट है वो 6 mm का, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, ये 6 mm का बिट है, इजली 2 इंची की गुज्जी के लिए काफ़ी वेस्ट होता है, वो आराम से लग जाएगा। तो चलिए इसको हम करते हैं, सीधा हाथ रखे करना है, बिजली आ गया है, इसको बीच में मार देंगे, ऐसे क्या होगा, गिरने की संभावना नहीं रहेगा, कांटे उटी से मार कर नहीं करे, नहीं तो चारों गुज्जी को हमने लगा दिया, बस बर्तन स्टैंड टांग के उसको नट को कस देना है, पूरा फिनिशिंग टाइट करते वीडियो बनाने के। तो चारों में स्क्रू कसा गया है, काफ़ी अच्छा हो गया, देख ले, ये अब गिरने वाला नहीं है, तो इसी प्रकार आप भी फिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।